हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से लेकर 10th पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमें जो नंबर्स गिवन हैं उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके दिखाना है। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है कि जितना वो नंबर कट सकते हैं उनको हमें काटना है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसके बाद हमें उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखाना है। अब हम सिक्स्थ पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। हमने ये क्वेश्चन आपको दो मेथड से सोल्व करके दिखाया स्टूडेंट्स। देखिए, एक मेथड ये है और एक मेथड यहाँ पर है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मेथड हमने इस साइड में किया है ये क्या है। देखिए, पहले तो हमने सोल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ लिख लिया, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 अकेला नहीं है स्टूडेंट्स, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर देखिए, क्या ये आपस में कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। 6 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये वाला जो मेथड है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में काट देंगे, और उसके बाद यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपस में, जो दो नंबर हमें मिलेंगे। जबकि इस मेथड में क्या होगा, पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें जो आंसर मिलेगा उसको बाद में फिर हम लोएस्ट फॉर्म में यानी छोटा करके दिखाएंगे, काट के दिखाएंगे। तो यहां पर पहले हम इसको 6 को 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए, 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6। अब यहां पर क्या है, 5/1 में तो 1 है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। 5/1 को तो हम 5 ही कह सकते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 15। यानी इस मेथड में हमने क्या किया, पहले 6 को 2 से डिवाइड किया, यानी पहले हमने रिड्यूस किया लोएस्ट फॉर्म में, और उसके बाद जो ये दो नंबर मिले इनको मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या आया, 5 3 द 15। और इस मेथड में क्या होगा, देखिए, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 था 30 आ जाएगा। और देखिए, 6 के नीचे क्या है, 1, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 द 2। अब हमें क्या मिला, 30/2। यानी इस मेथड में पहले हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी जितना कट सकता है इनको काट देंगे। देखिए, 32 से कट सकता है, कैसे, क्योंकि 32 की टेबल में आता है, 2 1 द 2 2 तो कट गया। अब देखिए, 2 से ही ये 30 भी कटेगा, 2 1 द 2। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 एंड 0 10, तो 2 5 द 10। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो 32 से कटा आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, 2 15 द 30। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहां भी आंसर कितना आ गया, 15 ही आ गया, 15/1, जिसका मतलब 15 ही होता है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करें, ये मेथड क्या कहता है कि पहले आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, जितना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जितना कट सकता है उसको काट दीजिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, उससे आपको एक आंसर मिलेगा। यहां पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उनको काटिए, तब भी आंसर सेम मिलेगा। जो भी मेथड आप यहां पर यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के सिक्स पार्ट का जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स, पहले मेथड से सोल्व किया तब भी 15 आया, दूसरे मेथड से सोल्व किया तब भी 15 आया। दो मेथड आपने तभी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये ऑप्शन आपके पास तभी होता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आपस में कट सकते हैं। अगर ये नहीं कट सकते तो फिर हमारे पास सिर्फ यही मेथड रहता है, फिर हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब देखिए, पहले तो सॉल्यूशन में हमने ये क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया, 11 इंटू 4/7। अब देखिए, ये 11 इस 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक ही मेथड रहेगा कि हम पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 11 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है यहां पर, तो 11 4 द 44 आएगा, और 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 आएगा। अब ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इसको आगे हम नहीं काट सकते हैं, तो इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
इससे पहले जो ये पार्ट था इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने चेंज नहीं किया था स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ तो सिंपली हमें 15 मिल गया था। लेकिन ये देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है, और इनको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। तो देखिए, 44 को यहाँ हम डिवाइड करेंगे पहले 7 से, 7 6 42, क्या बचेगा? 2। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखकर दिखा सकते हैं। ये जो क्वोशेंट है 6, सबसे पहले इसको यहाँ लिखेंगे, फिर ये रिमाइंडर 2 है ये यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर यानी कि 7 आएगा। तो 44/7 बोलिए या 6:2/7 बोलिए, बात एक ही है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है स्टूडेंट्स। देखिए, 7 6 42, 42 + 2 कितना होता है? 44 ही तो होता है, और अपॉन में 7, यानी ये दोनों सेम चीज है। तो थर्ड क्वेश्चन के 7th पार्ट का फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 6:2/7। अब हम थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट करेंगे। 8th पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 20 × 4/5। ये क्वेश्चन हमने आपको दो मेथड से करके दिखाया स्टूडेंट्स, ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है? यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए स्टूडेंट्स, ये 25 से डिवाइड हो सकता है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिले कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कि पहले आप इनको डिवाइड कर दें, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दें, और उसके बाद आप दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और दूसरा मेथड ये कहता है कि पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कीजिए। तो यहाँ हम आपको दोनों मेथड सिखाएंगे। ये पहला मेथड है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमने पहले सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, 20 × 4/5। अब देखिए, ये 25 से कट सकता है, 5 1 5 एंड 5 4 20। तो देखिए, डिनोमिनेटर में तो 1 बचा, तो डिनोमिनेटर में तो 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा? अब 4 × 4, 4 × 4 क्या होता है? 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 16। तो इस मेथड में हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले हमने इसे रिड्यूस किया लोएस्ट फॉर्म में, 20 को 5 से डिवाइड किया, और उसके बाद जो दो नंबर हमें मिले उनको मल्टीप्लाई किया। इस मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और उसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसको हम रिड्यूस करेंगे यानी काटेंगे लोएस्ट फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 × 4/5, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24 × 80, और 20 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इस 80 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 85 से डिवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स, 5 1 5। अब देखिए, 5 1 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 एंड 0 30, 5 6 30। तो ये पूरा 80 भी 5 से कट गया। आप इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, 5 × 16 क्या होता है? 80। तो यहां पर भी देखिए आपका आंसर क्या आया, 16/1, जिसको हम 16 लिख सकते हैं। तो जब हमने ये मेथड यूज किया स्टूडेंट्स, तब भी आंसर 16 आया, ये मेथड यूज किया तब भी आंसर 16 आया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, ये तो पहले ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अब हम 9th पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। 9th पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 13 × 1/3। अब यहां देखिए, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर ये आपस में नहीं कट सकते, क्योंकि 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि पहले हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, 13 × 1/3। अब देखिए, न्यूमरेटर में 13 और 1 है, तो 13 1 13, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 × 3, यहाँ 3 आ गया। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये जो क्वोशेंट है 4, इसको यहाँ लिखा, ये जो रिमाइंडर है 1, ये यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर यानी कि 3 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, 4:1/3। और याद रखिएगा, 4:1/3 बोलिए या 13/3 बोलिए, बात एक ही है। देखिए, 3 4 12,
12 प्लस 1 13 ही तो होता है, और यहाँ भी 13 है, और अपॉन में क्या है 3, तो ये भी 13 अपॉन 3 है। ये सिर्फ लिखा 4:1:3 है, मतलब इसका भी 13:3 ही है। तो नाइन्थ पार्ट का हमारा आंसर आ गया है 4:1:3। अब हम थर्ड क्वेश्चन का 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 15 × 3/5। अब ये पार्ट भी हमने आपको दो मेथड से सोल्व करके दिखाया है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 15 है और डिनोमिनेटर में 5 है, और ये 15 इस 5 से कट सकता है। तो जब भी आपको ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाए जो आपस में कट सकते हैं, तो फिर आपके पास दो मेथड होते हैं इसको करने के लिए। पहला मेथड ये कि आप पहले इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए, यानी कि काट लीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। या दूसरा मेथड ये कहता है कि पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आता है उसको आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए यानी काट लीजिए। दोनों ही मेथड से आंसर सेम आते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड देखिए स्टूडेंट्स, 15 × 3/5, तो ये 15 इस 5 से कट जाएगा। 5 × 5 and 5 × 3 = 15। अब डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 बचा, तो नीचे 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, और न्यूमरेटर में बचा 3 × 3, तो 3 × 3 क्या होता है 9। तो 10th पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 9। और हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। तो यहां हमारा फाइनल आंसर 9 रहेगा। अब ये दूसरा मेथड देखिए, 15 × 3/5, यहां हम पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 15 × 3 = 45, और 15 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 × 5 यानी कि 5। अब हमें क्या मिला? 45/5। 5 की टेबल में 45 कहाँ आता है स्टूडेंट्स? 9 पर आता है। देखिए 5 × 5 and 5 × 9 = 45, तो 9/1 को हम 9 कह सकते हैं। तो इस मेथड से भी हमारा फाइनल आंसर क्या बना? 9। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।